पूरा बिहार के विकास नल जल में लूट भइल बा। नीतीश कुमार टोटी चोरा हुए काम कइले बाड़े, मानदनी की सब पाइप लगा के रोड पर छोड़ दिया, तो रोडो के उससे नुकसानी बा। नल जल वाला पाइप अभी तक काहे नहीं बिछल, वो नीतीश चोरा ले गए सब। अच्छा, यहाँ के मुखिया भी यहाँ के सब तेला व्यवहार कर रहा फुलोरिया पंचायत के, फुलोरिया गाँव खातिर। जो मुखिया के खास आदमी है उनके उनके यहाँ लग गया है, बाकी किसी के यहाँ नहीं लगा है। झलको गोपालगंज, हम राजेश आयवन, गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के फुलवरिया गाँव में, फुलवरिया गाँव के वार्ड नंबर 12 में आयवन, जहाँ नल जल के अभी तक कनेक्शन भी नहीं देवल गए। हालांकि कुछ लोग कहना में रहा कि अभी तक पाइप भी नहीं लगावल गए, एक दो जगह पाइप लगावल बा जहां अभी तक नल के जल नहीं मिलत। जो के लेके कुछ उग्र लोग भी प्रदर्शन भी कलक है, जना लोग से बात कैली क्या समस्या वाला और एक समस्या कब से बावे। नल जल के तो काफी समस्या बा हमारा यहाँ, मानदनी की सब पाइप लगा के रोड पर छोड़ दिया, तो रोडो के उससे नुकसानी बा, और टूटी कहीं लागल नहीं है। और वीडियो साहब को कंप्लेन भी भइल बा कको बार, तो वीडियो साहब बोलने की अब हो जाए, अब हो जाए, अब हो जाए। वीडियो साहब के ट्रांसफर भी बोल, नया वीडियो साहब भी है नहीं, एक पर कोनो संज्ञान नहीं खिले वहाँ के। अच्छा, यहाँ के मुखिया भी यहाँ के सब तेला व्यवहार कर रहा फुलोरिया पंचायत के, फुलोरिया गाँव खातिर। कौन प्रकार के सब तेला व्यवहार होला? अब देखा तीन सब 77 नल जल के योजना संपूर्ण रूप से हो चुकल बा, अब हमारा पंचायत में अभी तक नहीं भइल। वार्ड नंबर 12 ना 13 14 तीनों में फाइनल नहीं भइल, 11 में फाइनल नहीं भइल। अभी तक देखल जाता कि पाइपो नहीं बिछल, जहाँ पाइपो नहीं बिछल, जहाँ बिछल तहाँ रोड तो खुद टूटता रोड हो जाए, आज तक टूटी ना लागल। पूरा बिहार के विकास नल जल में लूट भइल बा। नीतीश कुमार टोटी चोरा हुए काम कइले बाड़े, टोटी चोर समझे तीन, टोटी चोरा हुए काम कइले बाड़े, नलवा जन खोलल जाला, हाँ ऊ चोरा हुए काम कइले बाड़े नीतीश कुमार। तो कहाँ कहाँ चोरी भइल बा? बहुत जगह भइल बा अइसन, रउवा देखे के बता चल जाई। कुलदमा पंचायत में पड़ी सियारहा गाँव, आज तक नल जल नहीं गई। फुलवरिया छोड़ी ना, फुलवरिया तो सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार भी कर रहा है, ये कौन बात बा? आखिर काहे ये सौतेला व्यवहार हो रहा बा? और मुखिया जी बोल ले कि सौतेला व्यवहार ऐसे होला कि पीएचडी में चल गई बा, तो पीएचडी के काम कराई, तो पीएचडी वाला भेटाई कि ना भेटाई, केंगे हुई तो नीतीश कुमार के भगोड़े सरकार नु बा। कौनो काम निकास होखे के चाहिए फुलवरिया गाँव के, नेता के गाँव है कुछ नहीं खे जी। तो नल जल वाला पाइप अभी तक काहे नहीं बिछल? वो नीतीश चोरा ले गए सब, गाँव के हमारा नेता हार गए न, तो चोरा के सब लेके चल गए। कौन प्रकार के विकास हो गांव में? विकास कहल जाला गांव के निकास, निकास अंतिम बढ़े के चाहिए। ये तो कितना दिन से इमें मुखिया आवत बदन जात बदन सब देखत बलो, लेकिन कोनो एक सुनवाई नहीं है। हर गांव में लग गई बा, लेकिन हमनी के टोला में अभी लागल नहीं है। कितना बार कहलो बा, कंप्लेन भी भइल बा, तो कोनो सुनवाई होके नहीं है। तो अभी तक कहीं भी पाइप नहीं लागल? कहाँ पाइप वाइप कहाँ देखत नहीं, कहाँ कहीं लागल बा, कहीं पाइप वाइप नहीं लागल। अगर नल के जल अगर पाइप लग जाए, तो नल के जल तक उसे कितना रोल के सुविधा मिली और शुद्ध जल मिली? चूंकि बाढ़ के पानी, बरसात के पानी जहाँ तहाँ जन बाकी 50 फीट कोई के कल हल रहता, तो कोई के 100 फीट हल रहता, तो कहीं ना कहीं देखल जाए तो प्रदूषित पानी है। तो अगर नल के जल के सप्लाई रुआ मिले तो क्या लाभ होई? अरे मतलब 100 फुट 50 फुट तो बहुत कहते हैं, वह 20 पर 30 पर पानी हम निकल निकलत है सन, उतने आदमी पियत बा। अगर हल जाए तो बहुत फायदा बा, सबके फायदा बा हल जाए तो। 50 100 कहाँ गाँव में केहू के बा, सबके 20 30 पर पानी कल जाता बा, उतने पर आदमी पियत बा, मजबूरी में पियेंगे पर लग जाए तो आदमी ओके यूज करी, तब लागले नहीं गए तो आदमी का यूज करी। धरातल पर देखिए तो पंचायत का विकास नहीं हुआ है, बाकी कागजातों पे पूरा मेंटेनेंस कर दिया गया है। देखिए नाला की स्थिति क्या है यहाँ पे, प्लस वहीं है जल नल, वार्ड नंबर 12 है, जल नल की स्थिति भी खराब है, कहीं भी नहीं लगा है, टिप टाप कहीं कहीं लगा है। जो मुखिया के खास आदमी है उनके उनके यहाँ लग गया है, बाकी किसी के यहाँ नहीं लगा है। जानना चाहे कागजी स्तर पर कोना प्रकार के काम हो चुकल बा? देखिए आंगनबाड़ी केंद्र है पंचम का जो काम हुआ है, वहाँ पे 1,66,000 का एस्टिमेट है, 20 टाली माटी गिरा कर उसका पेमेंट उठा लिया गया, उसको दिखा दिया गया है। बताइए क्या समस्या होला और क्या परेशानी बा? पंचायत के विकास के बारे में कहल जाओ या नल जल के बारे में, तो क्या कुछ जानता? मैं तो आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं फुलवरिया गाँव यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के गांव से मैं बोल रहा हूं। यहां देखिए सरकार के रिकॉर्ड में नल जल का जो है यानी सर्वे हो चुका है, यानी कार्य प्रगति हो चुका है, लेकिन यहां पर जो है यानी नल जल का जो बहुत सी मतलब समस्या है, कोई साफ सुथरा काम नहीं हुआ है। हर एक नल जो भी है पॉइंट वहाँ से लीक कर रहा है, जो भी काम है मतलब सही से नहीं किया गया है, और कैसों में करके उसके बाद से ना वो क्या नाम है कि रिकॉर्ड में पास कर दिया गया है कि जी मतलब सही काम हुआ है। अभी वार्ड 12 में पाइप लागल बाकी ना? नहीं अभी तो पाइप कोई नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर जो है प्रक्रिया अभी उसका नहीं है। नल जल के क्या स्थिति बा? नल जल के क्या योजना बा? खराब तो बा, अपने पाइप लागल पोटिया जल लगे ना, कोई पाइप के पता ना चल कहाँ गए।
नल जल का अभी तक हम लोग पानी के लिए तो परेशान है, जिसको अभी तक हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं हुआ है। कई बार हम लोग कंप्लेन भी किए हैं, खैर लिखित तो कंप्लेन नहीं हुआ है। जो भी उसमें लोग हैं जिनके माध्यम से हम लोग बताए हैं कि हम लोग के यहाँ भी कनेक्शन डाल दिया जाए, लेकिन अभी तक कनेक्शन हम लोग के यहाँ नहीं हुआ है। जबकि सभी लोग परेशान है, मोहल्ले में सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर भी इसका कनेक्शन आ जाए जल नल का, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर कोई विचार नहीं किया और ना ही किसी के घर में जल नल का एक भी टोटी लगा हुआ है। सब लोग बहुत परेशान है। इसके साथ सभी लोगों ने आज उग्र प्रदर्शन भी किया। विकास के बारे में क्या बताएंगे? वो विकास फुलवरिया गांव में कोई चीज का विकास सही नहीं होता है। ये फुलवरिया गांव में नल जल योजना के लाभ अभी तक पंचायत के लोग के नहीं मिला, जना से बहुत ही लोग निराश बा। और जन लोग का कहना बा कि अभी तक पाइप नहीं लगल, तो कुछ लोग का कहना बा कि पाइप लगल लेकिन नल के ही चोरी कर लो जाता। ऐसे ही रुआ हमारे साथ बना रही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी। वीडियो रुआ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखे मिली। धन्यवाद।